सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं क्रोमा, जो कि टाटा का ब्रांड है। हम एक्चुअली भी वहीं जाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड साथ ही साथ अपना एक छोटा सा प्यार सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम एक्सप्लोर करते हैं क्रोमा, जो कि टाटा का ब्रांड है। आप देख ही सकते हैं, अभी हम क्रोमा शोरूम के जस्ट बाहर ही हैं। मैं आपको अंदर का सिनेरियो दिखाता हूँ कि अंदर है कैसा। बाहर यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी जो सबका नाम पता लिख रही थी। हमने सारा वो फॉर्मेट अंदर करके हम चले गए सीधा अंदर। फिर हमें यहाँ सबसे पहले दिखता है LED TV, जो कि दोस्तों आपको 10,000 से स्टार्ट हो गए, लाखों रुपए तक का है। एंड यहाँ पे हमें देखने के मिला iPhone 16। मैंने 2-3 बार ट्राई किया पर ये मेरे हाथ से चला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको आईफोन सीरीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएगी रेनो सीरीज़, जो कि यहाँ पे रेनो 12 है। यहाँ पे आपको साथ ही साथ AI फीचर्स भी मिल जाता है, जो कि कैमरा क्वालिटी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमने लास्ट वन देखा, यानी कि हमारा सस्ता मोबाइल सैमसंग, इसे भी हमने ट्राई किया। इसका भी फील बहुत ही अच्छा था पकड़ने में और कैमरा क्वालिटी। दोस्तों, अभी जो मेरे हाथ में अच्छा मोबाइल है, ये वन प्लस सीरीज़ है, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा है, एंड छूने में भी काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। साथ ही साथ इसमें गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो थोड़ी दूर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है Redmi 13 एंड्रॉयड वर्जन, जो उन्होंने लॉन्च किया था। ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी आप ये देख सकते हैं, ये है सैमसंग का J सीरीज मोबाइल, जिसे आप काफ़ी आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा महंगा मोबाइल है, जो कि आईफोन को टक्कर दे सकते हैं। साथ ही इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी लगा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड प्यार सा कमेंट कर दें, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो बाय बाय दोस्तों, बने रहिए।